क्या आप बता सकते हैं कि मीटर ब्रिज का यूज़ हम किस पर्पज़ के लिए करते हैं? जी हाँ, अननोन रजिस्टर की रजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो ये देखिए, ये आपके सामने है मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो इसकी हेल्प से हम एक अननोन रजिस्टर जो है उसकी रजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसमें सबसे पहले कौन कौन से कंपोनेंट्स मैंने जोड़े हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, ये जो डिवाइस आपको दिख रही है सामने, ये है बैटरी एलिमिनेटर, जिसका काम है डीसी आउटपुट प्रोवाइड करना। जी हाँ, ये हमको डीसी आउटपुट प्रोवाइड करेगा, यानी कि देखो इसकी जो वायर है वो उधर एक्सटेंशन बोर्ड से मैंने जोड़ रखी है, इसको एसी सप्लाई मिल रही है और ये उसको डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वुडन बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। ये जो वुडन बोर्ड है इसके ऊपर यहाँ पे देखो कुछ मेटालिक स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, देखो ये आपको दिख रही होगी, और साथ में एक तरफ जो है एक वायर है। और ये जो वायर है इसकी खासियत क्या है, एक तो इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर की है, इसलिए इसको हम मीटर ब्रिज बोलते हैं। तो वायर की लेंथ है 1 मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर। और साथ में ये जो वायर है ये कोई वायर आयरन या कॉपर की वायर नहीं है, बल्कि एक एलॉय है जिसको हम कॉन्स्टेंटेन वायर भी बोलते हैं, जो निकल और कॉपर का एक एलॉय होती है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको दो रेजिस्टेंस बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स कहाँ पे जोड़े हैं, देखो एक तो मेटालिक स्ट्रिप्स के बीच में ये आपको गैप दिख रहा होगा, इस गैप में आपने वो रजिस्टर जोड़ना है जिसकी रजिस्टेंस की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, यानी कि अननोन रजिस्टर उसकी रजिस्टेंस की वैल्यू। देखो यहाँ पर आप फॉर्मूला आप देखते हैं ना, जिसमें आपने देखा होगा एस से हम लिखते हैं, तो यहाँ पर ये अननोन रजिस्टर जो है उसकी रजिस्टेंस की वैल्यू एस मान लेता हूँ। उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे एज ए रजिस्टर, और जिस रजिस्टर की वैल्यू हमको, जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको पता है। तो देखो यहाँ पर अननोन रजिस्टर आपने जोड़ना है जिसकी रजिस्टेंस की वैल्यू हमको नहीं पता होती। यहाँ पर मैंने जो अवेलेबल था जैसे रजिस्टेंस बॉक्स जोड़ दिया है, वैसे इसकी रजिस्टेंस की वैल्यू हम की हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से फाइंड करेंगे और बाद में हम उसको वेरीफाई भी कर लेंगे। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको एक गैल्वेनोमीटर दिख रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस एक्सपेरिमेंट का। गैल्वेनोमीटर हमको क्या बताएगा, डिफ्लेक्शन देखेंगे हम गैल्वेनोमीटर में। ये जो जोकी यहाँ पर दिख रही है आपको, इसको हम जोकी बोलते हैं। देखो जोकी का जो एक एंड है वो मैंने गैल्वेनोमीटर पे यहाँ पर कनेक्ट किया है, और गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा एंड है वो आपको देखो, ये वायर आपको दिख रही होगी, वो मैंने इस मेटालिक स्ट्रिप के साथ यहाँ पर इसको जोड़ दिया है। अब करना क्या है, देखो थ्योरी में आप पढ़ते ही हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज आपने पढ़ा होगा, उसी का एक प्रैक्टिकल वर्जन आप इसको बोल सकते हैं। तो क्या करना है, ये जोकी की हेल्प से आप इस जोकी को वायर के ऊपर स्लाइड करवाओगे, और वहाँ पर आपने रुक जाना है जहाँ पर गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन होना रुक जाएगा, वो आपको नल पॉइंट मिल जाएगा। तो फिर उसके बाद जो भी वायर की लेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग ही हम अननोन रजिस्टर जो है उसका रजिस्टेंस की वैल्यू आपको बता सकते हैं। तो चलिए एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसको यहाँ से ऑन कर लेता हूँ, ये देखिए यहाँ से ये ऑन हो गया है। अब ये जोकी है, इसको ये जो वायर है आपको दिख रही है, इस वायर के ऊपर आप रेंडमली कहीं पर भी इसको टच करके देख सकते हैं कि डिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो देखिए जैसे मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर टच करके देखता हूँ, ये देखिए, तो आप देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर इसको कनेक्ट करेंगे तो ये देखिए डिफ्लेक्शन हो रहा है। फिर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कनेक्ट करके देखूँगा तो देखिए यहाँ पर भी डिफ्लेक्शन हो रहा है। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कनेक्ट करके देखता हूँ, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं डिफ्लेक्शन हो रहा है। देखो फिर थोड़ा और आगे स्लाइड करवाते हैं, ये देखिए यहाँ पर भी डिफ्लेक्शन है, थोड़ा और आगे चलते हैं, अच्छा यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं है, ये देखिए इस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन आपको नज़र नहीं आ रहा है, कोई डिफ्लेक्शन यहाँ पे नहीं है। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, तो ये 23 है, यानी कि जो वायर, ये जो वायर है इसकी लेंथ यहाँ पे कितनी होगी, 23 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे, आपके पास जो फॉर्मूला है बस उस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर ये जो मैंने एल लिखा है, इस एल की जगह आप 23 पुट करेंगे, और आर की जगह ये जो नॉन रजिस्टर आपने जोड़ा है जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आप देखो यहाँ पे जो की इसमें से निकाल रखी है, इसको जोड़ के 1000, 2000 और 2000, इनको जोड़ के इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको मिलेगी, वो आर की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे।
और यहाँ से आप ये एस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एस मीन्स अननोन रजिस्टर की रजिस्टेंस। ओके, तो ये था आपका मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।